प्रवीण क्रिकेट मैच देखने के लिए टिकट खरीदता है। जब मैच चल रहा था, प्रवीण को एक गेंद लगी और गंभीर रूप से घायल हो गया। वह उसे हुई चोटों के लिए क्रिकेट बोर्ड, बल्लेबाज और सभागार के खिलाफ मुकदमा दायर करता है। प्रतिवादियों ने प्रवीण को हर्जाना देने से इनकार कर दिया। कौन सा कथन सत्य है? प्रवीण का मैच देखने के लिए टिकट खरीदने का मतलब है कि वह इसके जोखिम के लिए तैयार है, इसलिए प्रवीण को हुए नुकसान के लिए क्रिकेट बोर्ड या बल्लेबाज या सभागार का प्रबंधन उत्तरदायी नहीं है। अतः विकल्प बी, सी और डी सही नहीं है। जब कोई एक्सेप्टर कोई ऑफर एक्सेप्ट करके कोई काम करता है तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसके साथ में जो भी रिस्क इन्वॉल्व है या और भी जो कोई बात है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है, वो उसे समझ लेना चाहिए। और यह माना जाता है कि वो सारे रिस्क वो एक्सेप्ट किया है, जैसे इम्प्लाइडली एक्सेप्टेड है। ऐसी रिस्क एक्सेप्टर को खुद को बियर करना होगा। वो उस रिस्क के लिए कोई अगर डैमेज होता है तो दूसरे किसी के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए विकल्प ए सही है।